हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड रेट कांस्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करें आप। हेडिंग डाल लीजिए फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। देखिए सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस, लिखते जाए फास्ट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस आप आर इक्वल टू क्या लिखते हैं, के कंसंट्रेशन की पावर एन, यस और नो? यस, क्लियर है? तो हम पॉइंट क्या बनेगा यहां पर, के इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशंस, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है वो तो वैसे ही उसके आने वाले पैरामीटर पे डिपेंड करेगा ही नहीं, उस इक्वेशन पे जितने भी पैरामीटर या अननोन वेरिएबल आ रहे हैं उन पे डिपेंड नहीं करेगा, तभी तो वो कांस्टेंट कहलाएगा। कोई अलग पैरामीटर है जो इस इक्वेशन में नहीं है उस पे डिपेंड कर सकता है। तो हमारा पॉइंट है के इनडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, पहली पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। दूसरा अब बात करते हैं आर, आर यानी रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, अगर जीरो ऑर्डर नहीं होनी चाहिए बस तो डिपेंड्स करेगा। और सिंपल सा है, अगर ऑर्डर फर्स्ट है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, सेकंड है तो स्क्वायर में प्रोपोर्शनल होगा, ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, देखिए कुछ ऐसी फिजिकल रिएक्शन होती है जो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, जैसे पाउडर शुगर इजीली डिजोल्व एज कंपेयर टू क्रिस्टल शुगर, क्यों? सॉलिड है, सॉलिड दोनों ही सॉलिड है, पाउडर भी और क्रिस्टल भी है, लेकिन जो सरफेस एरिया मिल रहा है जहां रिएक्शन एक्टिव है जितना ज्यादा होगा उतनी रेट फास्ट होगी। गैस के लिए तो सरफेस एरिया सब बराबर है, बहुत दिक्कत आती नहीं है, बहुत भरपूर मिलता है। इन केस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, इन केस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शंस प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। तो जितना ज्यादा एक्टिव सरफेस एरिया आपको देखने को यहां मिलेगा उतना ही रेट फास्ट होगा, सही है, साउंड। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर अगला पॉइंट, इसी में एग्जांपल पे बात कर रहे हैं, एग्जांपल इसलिए क्योंकि बोर्ड का टॉपिक है, आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। क्रिस्टल शुगर और पाउडर शुगर में कौन ज्यादा इजीली फास्ट डिजोल्व होती है? पाउडर, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। पाउडर शुगर इजीली डिजोल्व इन वाटर एज कंपेयर क्रिस्टल शुगर, ड्यू टू हाई सरफेस एरिया, हाई सरफेस एरिया। बी एक और एग्जांपल, वुड पाउडर इजीली बर्न या कंब्यूज बोल सकते हो, एज कंपेयर वुड पीस। आप देखेंगे कि जो लकड़ी का बुरादा है वो उसको जलाना बहुत आसान होता है, लेकिन लकड़ी के टुकड़े को जलाना बहुत मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसको
उतना ही ज़्यादा आसानी से O2 मिलेगी, और जितनी ज़्यादा आसानी से O2 गैस अंदर से निकलेगी मिलेगी उतना ही वो जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। वुड पीस में क्या है, O2 मॉलिक्यूल सिर्फ किसको मिल पा रहे, आउटर सरफेस को, इनर सरफेस को तो नहीं मिल पा रहे ना, तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है ड्यू टू, यानी वही है। आप खुद देख लो, एक इसको डायग्राम बनाओगे तो ये मेरे पास वुड पीस है। अब O2 कहाँ मिलेगी इसको, सिर्फ यहाँ मिलेगी, लेकिन जब आप वुड पाउडर ले रहे हो, ये वुड पाउडर है, तो O2 कहाँ से मिल सकती है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर तरह से मिलेगी। तो ये आसानी से जल पाएगा जबकि ये नहीं जलेगा। इजीली कंब्यूस्ड, नॉट इजीली कंब्यूस्ड, ये हमारे लिए क्या है, वुड पीस। और ये हमारे लिए क्या है, वुड पाउडर। एक हमारे लिए वुड पीस है और एक हमारे लिए क्या है, वुड पाउडर। सही है, तो दोनों ही फैक्टर आपके अच्छे से क्लियर हो गए। बोलो यस, हटा दूं मैं। चलो ठीक है, हमने दो फैक्टर पढ़ लिए, तीसरा फैक्टर भी ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा सा फैक्टर है, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो हम एक एक करके करेंगे, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, थर्ड नंबर का फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। भाई हम बहुत इजीली बात कर रहे थे कि आर टेम्परेचर बढ़ने पर, यानी कहीं ना कहीं रेट हमारे लिए प्रोपोर्शनेट थी टेम्परेचर से, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ेगी, हमने ये सोचा था, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं थी। तो हम ये बोल रहे थे कि बाद में कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं थी, हम लिखते उस वक्त डायरेक्ट थे। तो हमारी मदद किसने करी, आरेनियस ने। आरेनियस ने बताया हमारे को, अकॉर्डिंग टू आरेनियस आर सॉरी के जो होता है, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। ए यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट, आरेनियस कांस्टेंट, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो पहले लिखो ए क्या है यहां पर, के क्या है यहां पर, सबसे पहले के यहां पर क्या है, रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट इन सब पे डिपेंड करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा पक्का। तो फिर कांस्टेंट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये यहाँ का नहीं है, ये रेट का कांस्टेंट है, इस इक्वेशन में ये वेरिएबल है, ए ए आरेनियस कांस्टेंट है, वो यहाँ का है आरेनियस कांस्टेंट, को हम कोलिजन कांस्टेंट या फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट भी बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है, तो प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ये इसके नाम है, आर गैस कांस्टेंट रहेगा। सारे नाम याद रखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि वो किस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ ले ये मैं भी नहीं जानता। नेक्स्ट हमारे लिए ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी समझना, और आर गैस कांस्टेंट,
बहुत सारे नाम आ रहे हैं इसमें, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर इन केल्विन। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स आ रहे हैं टेम्परेचर इन दिस, करो इनको। अब बताइए कि टेम्परेचर के क्या सात डिपेंडेंस है। आपको लग रहा है इस पॉइंट से आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ई अपॉन आर टी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लेकिन माइनस ई अपॉन आर टी की वैल्यू क्या होगी, माइनस की वजह से बढ़ेगी। तो इसका मतलब ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ई अपॉन आर टी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगी, और उससे क्या होगा, आर के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, क्योंकि के इक्वल टू आर इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन होता है विथ सुइटेबल पावर। तो के बढ़ेगा तो आर हमेशा बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन आर बढ़ेगा तो जरूरी नहीं है के बढ़े, क्योंकि के कॉन्स्टेंट भी हो सकता है इस जगह, क्योंकि आर के अलावा कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? तो ये एक छोटा सा पॉइंट हमारे पास आया। अब मुझे इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने थे। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, ए की यूनिट और के की यूनिट सेम होगी, यस और नो? हाँ, क्योंकि ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो ए एंड के आर इज इन सेम यूनिट। लिख लो ये पॉइंट की पॉइंट की तरह। दूसरा पॉइंट, अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है और एक रिएक्शन है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल में क्या होता है, सिर्फ फॉरवर्ड इरिवर्सिबल में सिर्फ फॉरवर्ड होता है, जबकि इसमें फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी होती है, यस और नो? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर फॉरवर्ड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, बैकवर्ड तो है ही नहीं, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर फॉरवर्ड भी बढ़ेगा और बैकवर्ड भी बढ़ेगा। कौन ज्यादा बढ़ेगा वो डिसाइड करेगा कि ये नेट रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, समझ में आ रहा है? अगर ये डोमिनेट है तो बढ़ेगा फॉरवर्ड की तरफ, और अगर आर बैकवर्ड है तो पीछे की तरफ बढ़ेगी। ओवरऑल एक ही रेट आपको बढ़ने की जगह क्या दिखेगी, कम। मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए, तुमने मेरे को 50 रुपये दिए, तो नेट तो मैंने तुम्हें दिए, मैंने तुम्हें 50 दिए, तुमने मुझे 100 दिए, तो नेट तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। तो रेट तो दोनों बढ़ेगी, लेकिन इस जगह ये भी देखना पड़ेगा कि ए की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या बी की पड़ेगी, वो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो आपको इस चैप्टर में तो इतना ही पढ़ना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड भी बढ़ती है और बैकवर्ड भी बढ़ती है, समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है। आप जानते हो कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए वो इरिवर्सिबल है, ए बी, ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए मैं बात कर रहा हूं, श्योर? तो कैसे हम बात कर रहे हैं, हमने मान लिया के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है, हमने मान लिया, हो भी गया। टेम्परेचर अगर टी वन है तो हमारे लिए के की वैल्यू क्या होगी, के वन, और टेम्परेचर टी टू है तो के टू ए की पावर ई अपॉन आर टी टू, इक्वेशन 1 2, समझ में आ रहा है? इसको मैंने ln की फॉर्म में लिख दिया, ln के वन ln ए माइनस ई ए अपॉन आर टी वन, और इसको भी मैंने ले लिया ln के टू ln ए माइनस ई ए अपॉन आर टी टू डैश, सही है? तो इक्वेशन 1 डैश और इक्वेशन 2 डैश, मैंने इक्वेशन 2 डैश माइनस इक्वेशन 1 डैश किया, आप देख लो।
क्या बनेगा आपके लिए, यानी इसमें से ये माइनस करना है। तो पहले मेरे साथ रहो, एल एन के टू बाई के वन लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना? और क्या लिख सकता हूँ मैं, ये चीज़ क्रॉस हो जाएगी, माइनस ई ए कॉमन ले लिया, आर बी कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। क्यों? क्योंकि मैंने टू माइनस वन किया है। समझ में आ रहा है? तो ये एक और रिलेशन हो गया, के टू बाई के वन माइनस ई ए अपॉन आर, वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन। अच्छे समझ में आ गया? अगर आपको एलन पसंद नहीं है, लॉग लेना चाहते हो, लॉग के टू बाई के वन 2.303 आप लेके आ जाओ, ई ए अपॉन 2.303 आर, वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन। एक और यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है कि आर की यूनिट क्या रहेगी, आर की वही यूनिट रखनी पड़ेगी जो ई ए की यूनिट है। ई ए अगर कैलोरी में, तो आप यहाँ लिखोगे आर को ई ए की यूनिट में रखना है, रखना है, ये दिमाग में भी रखना है। यानी आर को डिपेंड करेगा, अगर ई ए जूल में है तो आर की वैल्यू जूल वाली कौन सी होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर ई ए कैलोरी में तो आर की वैल्यू होगी 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और अगर आर किलो जूल में है, समझ में आ रहा है, या अगर आर किलो कैलोरी में है, सॉरी ई ए किलो कैलोरी में, तो उसको कैलोरी में चेंज कर लो, या आर को किलो कैलोरी में चेंज कर लो। तो आर को किलो कैलोरी में कैसे चेंज करोगे, 2 डिवाइडेड बाय 1000। ऐसे यहां पर भी चेंज कर सकते हो किलो जूल में, ये आपको मालूम होना चाहिए, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट कर्व, इसमें कर्व वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 10 साल के अंदर, पिछली 10 साल के अंदर 5 बार कर्व वाले क्वेश्चन पूछे चुके हैं, 4 या 5। तो वो कर्व वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कर्व। और इंपॉर्टेंट इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्व है, इसको स्टार बनाया आप। इंपॉर्टेंट कर्व में सबसे पहले आपने एक चीज पढ़ी मेरे से भी, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो यहां कर्व जो बनाने को दूंगा मैं आपको, वो दूंगा इस तरह का, 1/t वर्सेस एल एन के। बता सकते हो कैसा कर्व होगा, आप ही बताएं, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, क्या मैं सही हूं, यही होगा? तो ये कर्व कैसा जाएगा, कुछ इस तरह का, सही है? और अगर ये थीटा है, इस तरफ से ले रहा हूं, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस ई ए अपॉन आर, माइनस लगेगा, वेरी गुड, मैथ अच्छी है बच्चे की, प्लस लग गया क्योंकि मैंने इधर से लिया है, माइनस नहीं लगेगा, ई अपॉन आर। तो आप तो बहुत आसानी से बता सकते हो। तो अबाउ कर्व इज यूजफुल फॉर कैलकुलेट ई ए, क्योंकि अगर स्लोप आपने निकाल दिया, टेन थीटा आपने निकाल दिया, आर से मल्टीप्लाई कर दो, ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय आर, गैस कांस्टेंट, आर जिसमें रखोगे ई ए उसी में मिल जाएगा। तो यहाँ हो सकता है, एक बार तो यही पूछा था, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व वी कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, आंसर था एल एन के वर्सेस वन अपॉन टी बाय द कर्व बिटवीन एल एन के वर्सेस वन अपॉन टी वी कैन कैलकुलेट
एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी स्लोप से निकालना पड़ेगा, स्लोप की मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्लोप, विद हेल्प ऑफ स्लोप, सही है। तो ये हमारे पास विद द हेल्प ऑफ स्लोप हो गया। एक और पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी ने यहाँ लॉग के वर्सेस वन अपॉन टी के बीच में कर्व बनाया, तो पहले तो ये बताओ लॉग के और रिलेशन क्या बनेगा। लॉग के इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी, ये बनेगा 2.303 आ जाएगा। जहां जहां ln है वहां सब जगह लॉग लिख दो। तो कर्व कैसा देखने को मिलेगा आपको, सेम ऐसा ही रहेगा। थीटा, टेन थीटा की वैल्यू, बस अंतर ये हो जाएगी कि पहले ये अपॉन 2.303 आर आएगा, सही है, लिखें इसको। तो ये आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट कर्व है और आपकी हेल्प भी करेगा। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शंस हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ, कि क्या एक्टिवेशन एनर्जी का भी फर्क पड़ेगा। हाँ, तो अभी हमने एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट क्यों बना रखा है, क्योंकि हमने रिएक्शन चेंज नहीं करी है, सेम रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यानी कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हो रहा है कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ना तो यहाँ पर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, ना किसी और पैरामीटर पे, इसमें जो भी आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ रिएक्टेंट, रिएक्शन चेंज, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज, समझ में आ रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, हम ये मान रहे हैं एजम्पशन, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए हो रहा है क्योंकि हमने पूरा बनाया है कर्व, कभी एक्टिवेशन एनर्जी हमारे लिए क्या रही, चेंज करी क्या, नहीं। तो हम ये मान रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी ईए इज इंडिपेंडेंट, ऑन टेम्परेचर, तो ये आपने एक और बहुत अच्छा पॉइंट पढ़ा है, पढ़ लिया, कोई दिक्कत आई। तो अगर किसी भी रिएक्शन के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, जिससे रेट बढ़ेगी। तो मुझे किसी ने कहा कि अगर आपने किसी रिएक्शन का 10 डिग्री बढ़ा दिया तो क्या रेट बढ़ेगी, मैंने कहा हाँ 10 बढ़ाओ 20 बढ़ाओ। तो अगला क्वेश्चन क्या था मालूम है, कितने गुना बढ़ेगी। मैंने कहा ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड तो करेगी पक्का, अलग अलग रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन पे तो डिपेंड करेगी, रिएक्शन चेंज हो गई तो एक्टिवेशन एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बट डिपेंड्स ऑन टेम्प ऑन रिएक्शंस, यानी कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ही चेंज, कैटलिस्ट, इन पे तो डिपेंड करेगी, सही है। चलो अपन ने अलग रिएक्शन ले ली तो एक्टिवेशन एनर्जी तो अलग होगी ना। तो मैंने कहा ऐसे कहना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इतनी बढ़ेगी, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। उन्होंने कहा मैक्सिमम जो आप पढ़ रहे हो रिएक्शन, आप ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ रहे हो ना बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ रहे हो। मैंने कहा तो मॉडरेट रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी, बहुत कम भी नहीं होगी, एक रेंज में होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक रेंज में ही के की वैल्यू बढ़ेगी। मैंने कहा हाँ एक रेंज में बढ़ सकती है, लेकिन ये कहना कि हमेशा 2 times होगी या हमेशा 3 times होगी, ये कहना बेवकूफ़ी है, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट इन रेंज, तो एक्टिवेशन एनर्जी
प्रेजेंट इन रेंज सो दैट टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इंक्रीज कर रहे हो आप, 10 टाइम्स नहीं इंक्रीज कर रहे, 10 डिग्री ऐड कर रहे हो, यानी कुल मिला के टेम्परेचर आपने टी से कितना कर दिया, टी प्लस 10। द रेट कांस्टेंट, द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम्स, यानी हमारा 3 टाइम्स तक बढ़ जाता है, 2 to 3 टाइम्स, एंड इट्स कॉल्ड, एंड इट्स कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशियंट। तो आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है बोर्ड के लिए, जिनको बोर्ड देना है, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर कॉफिशियंट। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर कॉफिशियंट, तो मेरे लिए यहां पर टेम्परेचर कॉफिशियंट की डेफिनेशन होगी के टी प्लस 10 अपॉन के टी। समझ में आ गया? ये हमारे लिए टेम्परेचर कॉफिशियंट की डेफिनेशन हो गई, सही है? जल्दी से लिखो इसको, टेम्परेचर कॉफिशियंट की डेफिनेशन क्या हो गई, के टी प्लस 10 और इसकी जो रेंज है मैं पहले ही बता चुका हूं, 2 to 2 के इसके बीच में जा रही है 3 के लिए। तो अक्सर मैंने नीट के अंदर ऐसे एग्जांपल देखे हैं कि टेम्परेचर कॉफिशियंट दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि बताइए रेट कितने टाइम्स बढ़ गई। समझना आप, तो दो तरह से आप कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल को करते हैं, एग्जाम्पल इट, इफ टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ ए रिएक्शंस, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ ए रिएक्शंस इज 2, देन फाइंड हाउ मेनी टाइम्स रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस (300 K to 350 K), तो टेम्परेचर कॉफिशियंट उसने कितना दिया, 2। तो जिस रेशियो में के बढ़ता है, रेट कांस्टेंट बढ़ता है, उसी रेशियो में क्या बढ़ता है, रेट भी बढ़ती है। बोलो सही है ना? तो मान लीजिए आपके लिए इस जगह, मान लीजिए आपके लिए इस जगह रेट शुरुआत में आर थी, जिस रेशियो में टेम्परेचर कॉफिशियंट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, उसी रेशियो में रेट भी बढ़ती है। ये दिमाग में बैठा के चली, मान लीजिए आपकी रेट क्या है, आर है। इसको ऐसे देख लीजिए, टेम्परेचर मान लीजिए 300 है इस समय, फिर आपने कितना करा, 310, फिर करा 320, फिर करा 330, फिर करा 340, फिर करा 350। ये बहुत इजी और ट्रेडिशनल मेथड में से आता है, 10-10 बढ़ाते जाओ, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। मान लीजिए यहाँ रेट आपके आर है, शुरुआत में आर है, तो हर 10 डिग्री बढ़ाने पे कितना बढ़ेगा, 2 टाइम्स, ऐसा हमें बताया गया, 2 टाइम्स रेट कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉफिशियंट। तो बताओ यहां आ रहे, तो यहां कितना हो जाएगा, 2R, पहले समझ लो फिर एक साथ लिख लेना, यहां कितना हो जाएगा, 4R, यहां कितना हो जाएगा, 8R, 2 टाइम्स में बढ़ाना है आपको, टेम्परेचर 10 से बढ़ेगा, रेट 2 टाइम्स होगी, यहां कितना हो जाएगा, 16R, और यहां कितना हो जाएगा, 32R। तो आंसर क्या होगा इसका, 32 टाइम्स। ये तो रहा आपका
सही मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप सीधा सीधा सा लिख सकते हैं, बहुत इजी। या दूसरा मेथड लिख सकते हैं टू की पावर, क्योंकि लगेगा तो टू की पावर कितना बढ़ाया, टी टू माइनस टी वन अपॉन टेन, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना टाइम्स होगा टी टू माइनस टी वन, 50 आया डिफरेंस, 50 बाई 10 कितना हुआ 5, 2 की पावर 5 कितना हुआ 32। तो ये तो है ट्रेडिशनल, और वो है नया मेथड, जो आपको लगे आप कर लो। अगर टेम्परेचर कॉफिशेंट 2 नहीं होता 3 होता तो यहाँ 3 की पावर 10, समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं कि R2 की वैल्यू R1 से कितने ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कॉफिशेंट की पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। टेम्परेचर कॉफिशेंट मेंशन होना चाहिए, बोलो सही है, बोलो 300। फिर तो पावर फ्रैक्शन में भी आ सकती है, 305 टू 310 यानी 5 बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 रूट टू 1.414 टाइम्स, समझ में आ रहा है? बढ़ेगा तो जरूर, भले आप एक ही डिग्री क्यों नहीं बढ़ाओ, 1/10 आएगा 2 की पावर 0.1, कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू में ही बढ़वाते हैं। तो क्या ये चीज़ समझ में आ गई टेम्परेचर कॉफिशेंट? तो अगर आपको बोर्ड में लिखना हो टेम्परेचर कॉफिशेंट की डेफिनेशन, तो आप या तो ऊपर वाली लिख सकते हैं या लिख सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट कॉन्स्टेंट एट टी प्लस 10 एंड टी, बस खत्म, यही है, तो एक नंबर मिल जाएगा आपको, इट इज़ ए यूनिटलेस क्वान्टिटी, पूरा नंबर मिल जाएगा। आप तो रेशियो है तो यूनिटलेस तो होगा ही। इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी आप पहले भी पढ़ चुके हो, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो ई ए अपॉन आर टी बढ़ेगी, लेकिन माइनस ई अपॉन आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी, और इससे के कम होगा, के कम होगा तो आर भी कम होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एक्टिवेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, आपने ये तो लिख लिया कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगी नहीं, तो किस पे करेगी, या तो नेचर ऑफ रिएजेंट, लेकिन रिएजेंट अगर फिक्स रख रखा है तो कैटलिस्ट, तो दो तरह के कैटलिस्ट हैं। एक्टिवेशन एनर्जी यहां लिखना पड़ेगा डिपेंड्स ऑन कैटलिस्ट, ऑन कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, पहले तो ये समझो कि कैटलिस्ट ऐसा क्या काम करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, समझना। आप ये तो मानते हो कि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है, होती है, कितने स्टेप्स में होती है, 3, 4, 5 कितने भी हो सकती है। सपोज कोई रिएक्शन 5 स्टेप में हो रही है और कैटलिस्ट उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन इनडायरेक्ट कर सकता है, तो वो जो 5 स्टेप में होने वाली रिएक्शन को अगर उसने 3 या 2 में कन्वर्ट कर दिया तो रिएक्शन फास्ट होगी या नहीं होगी, होगी ना। इंटरमीडिएट चेंज कर दिया उसने तो 5 चेंज हो गया, 5 चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका काम क्या हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट होगी, फास्ट होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कहीं ना कहीं कहीं क्या हो गई, कम हो गई। दूसरी तरफ ऐसा कोई कैटलिस्ट भी हो सकता है जो नंबर ऑफ स्टेप्स कम करने की जगह बढ़ा दे, हाँ, तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। लेकिन हम नेगेटिव कैटलिस्ट लेंगे क्यों, तो बाय डिफॉल्ट अगर कैटलिस्ट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है ड्यू टू चेंज ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट चेंज कर देता है वो, बाय द चेंज ऑफ पाथ ऑफ रिएक्शंस ऑब्लिक इंटरमीडिएट,
इंटरमीडिएट, और नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। दो तरह के कैटलिस्ट है। तो अगर आप कैटलिस्ट की बात करोगे और आपने नहीं बोला कि कौन सा कैटलिस्ट है, तो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा कौन सा लोगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो ये आप बहुत इजीली बात कर रहे हो, ध्यान से देखिएगा, ये है आपके लिए कोई रिएक्शन इस तरह से हो रही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट ले लिया तो रिएक्शन का बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव है, अच्छा कैटलिस्ट है, तो वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो आप मुझे बताओ, दो तरह की आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है, एक ये और एक ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है और ये भी आपके लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, सही है। अब एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन पहले से भी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार लिख लें। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? इट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखो ये आप, एक्टिवेशन एनर्जी इट इज ए रिक्वायर्ड एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर कन्वर्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये है हमारे पास, ये हमारे लिए एनर्जी है इस तरफ, और ये हमारे लिए क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप ये बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हो ये टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा जरूरत है यहां पर भी समझने की, सही है। यहां ईए डैश, ईए क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, लिखो ये भी। मेरे कुछ की पॉइंट है, उनका ध्यान से सुनेंगे आप आंसर। पहला, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। लिख रहा हूं, बार बार लिख रहा हूं, तो कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। एक्टिवेशन एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, पहला पॉइंट। दूसरा, कुछ और एनर्जीज भी हमारे लिए जिनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। मान लीजिए ये रिएक्शन, अब उतारेंगे बाद में, पहले समझेंगे इस एनर्जी को क्या नाम दिया आपने, एक्टिवेशन एनर्जी। या सुनो, इस एनर्जी को क्या नाम दोगे आप? ये पीक पॉइंट ही है, इसका नाम होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एनर्जी का नाम क्या होगा? इसका नाम भी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, उल्टी एनर्जी। यानी कि समझ में आ रहा है, इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। इस एनर्जी को आप क्या बोलेंगे? डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, एंथैल्पी
ऑफ रिएक्शंस। समझ में आ रहा है? इस एनर्जी को क्या बोलेंगे आप? एवरेज एनर्जी। समझ में आया? तो मैं उतारने का पूरा टाइम दूंगा, आप पहले समझ लो ये रिलेशंस एक सेकंड। तो क्या क्या पॉइंट्स और बन गया आएंगे सेकंड में? ए, एवरेज एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। यस और नो? सेकंड, बी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, दिस माइनस दिस। ये भी एक्टिवेशन है, ये भी एक्टिवेशन है, तो ये आ जाएगा। इसके अंदर एक और पॉइंट आएगा, अगर ई ए फॉरवर्ड बड़ा है ई ए बैकवर्ड से तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और रिएक्शन क्या होगी? एंडो थर्मिक। और सेकंड केस इसमें बनेगा, ई ए फॉरवर्ड अगर छोटा है, जैसे कि इसमें देखने को मिल रहा है छोटी है वैल्यू ई ए फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड है और ये कौन सी है? बैकवर्ड। छोटा है बड़ा है तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड बड़ी है तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। और रिएक्शन क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। समझ में आ रही है बात? तो ये तीन रिजल्ट आपने लिख लिए, एक दो तीन चार हो गए। वैसे कोई दिक्कत आ रही है? एक और आपके पास की पॉइंट बनेगा, लेकिन उससे पहले क्या यहां तक लिख चुके हो सब तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? मैं हटा दूं, फिर एक साथ लिखने का मौका मिलेगा आपको। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास बनेगा, अगर आप कैटलिस्ट मिलाते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, फॉरवर्ड की कम होती है या बैकवर्ड की या दोनों की? दोनों की कम होती है। ऑन एडिशन, ऑन एड ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस ऑफ रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शंस, फॉरवर्ड डायरेक्शंस एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शंस। दोनों तरफ की कम होती है डायरेक्शन बाय सेम फैक्टर या अमाउंट। यहां दो वर्ड में से एक आता था, बाय सेम फैक्टर या सेम अमाउंट, सेम अमाउंट, अमाउंट। अगर आपने फैक्टर लिख दिया तो आप गलत है, बाय सेम अमाउंट। अगर आपने फैक्टर लिख दिया तो आप गलत है, यानी अगर मेरे को 10 का लॉस होगा तो उसको भी 10 का होगा, भले उसके पास कितने ही रुपए हो, उससे कोई फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक बहुत ज्यादा एक बहुत कम है, ये कम है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन लॉस दोनों को 10-10 रुपए का होगा। ये नहीं कि वो ज्यादा अमीर आदमी है उसको बड़ा लॉस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सेम फैक्टर नहीं बोला है, सेम अमाउंट बोला है। मैं बार बार इस चैप्टर में दो चीजों को बहुत ले रहा हूं, बाय परसेंटेज अमाउंट, बाय अमाउंट। ये आप ध्यान रखना, ये बहुत एसर्शन रीजन में पकड़ के मारते हैं इस जगह बच्चों के, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूं। अगर यहां फैक्टर लिख दिया हो जाता तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाता, लेकिन अमाउंट लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट सही है। क्या याद रह जाएगा? मैं एसर्शन रीजन में मैं कभी दूंगा तो ये जरूर दूंगा। फोर्थ, अगर सेम अमाउंट में जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी तो जो के है रेट कॉन्स्टेंट वो सेम फैक्टर में चेंज होता है, वो के लिए फैक्टर आता है जबकि एक्टिवेशन एनर्जी के लिए अमाउंट आता है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, लिखें, ऑन एड ऑफ कैटलिस्ट के यानी रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, ये तो इंक्रीज होगा, ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड
बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बाय सेम फैक्टर, यहां सेम फैक्टर आएगा। अगर यहां अमाउंट आता तो वो गलत होता। समझ में आ रही है बात? इसी से फिफ्थ पॉइंट भी बन गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा होता है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। आप इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे तो कैटलिस्ट मिलाने पर, कैटलिस्ट मिला दिया आपने, मान लीजिए ये हाफ हो गया के, सॉरी कैटलिस्ट मिलाने पर हाँ रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम, मान लीजिए कैटलिस्ट मिलाने पे ये टू टाइम्स हो गया तो ये भी टू टाइम्स हो जाएगा, ये थ्री टाइम्स होगा तो ये भी थ्री टाइम्स। मैंने बोला है सेम फैक्टर, तो टू तो टू, थ्री तो थ्री, तो बताओ केसी क्या हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट ऑन कैटलिस्ट। ये पांच पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनमें से एक पॉइंट हर साल देखने को मिल रहा है। ये वो फैक्टर हैं जिनमें से कुछ आ चुके हैं, कुछ आने बाकी हैं। सही है, लिखें इसको। दो पॉइंट और अच्छे निकल के आ रहे हैं। पहला मतलब पांच तो हम लिख ही चुके हैं, सिक्स नंबर का पॉइंट देखिए, मेरे पास दो रिएक्शन थी, एक ये और एक ये, दोनों के लिए डेल्टा एच की वैल्यू सेम भी है, दोनों एक्सोथर्मिक भी है, लेकिन अंतर क्या दिख रहा है? अंतर है इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ज्यादा है, और इसके लिए कम है। तो आप मेरे को बताएं, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ई ए मान लीजिए, ई ए वन, और यहां एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ई ए टू। मुझे यहां टेम्परेचर कॉफिशियंट दिया हुआ है, टेम्परेचर कॉफिशियंट मैंने अभी हाल बताया था, टेम्परेचर कॉफिशियंट की वैल्यू जनरली टू से थ्री के बीच में होती है, फिक्स तो नहीं होती। मान लीजिए यहां टेम्परेचर कॉफिशियंट एक्स है और यहां टेम्परेचर कॉफिशियंट वाई है, आप मुझे गैस करके बताएं कि एक्स बड़ा होगा या वाई होगा? वाई, एक्स, एक चीज बोलो कोई भी। इसका सही आंसर है एक्स। रीजन ध्यान से सुनना, टेम्परेचर कॉफिशियंट हो ये रहा है, एक जनरल व्यू से मैं बात कर रहा हूं, गैस ऐसी करते हैं कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट क्या होगी? स्लो। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है तो रेट क्या होगी? बहुत ज्यादा फास्ट। तो जो पहले ही बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है, उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है, उसको इतना बेनिफिट नहीं होगा। मतलब ये मान लीजिए जो बिल गेट्स है उसको 100 रुपए दे दोगे, क्या खुशी होगी उसको? कुछ भी नहीं। लेकिन एक भिखारी को 100 रुपए दो आप, खुशी बढ़ेगी। तो वैसे ही आप इस चीज को देख सकते हो। तो हम क्या लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, रिएक्शन इन विच एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, हाई कुछ भी लिख लीजिए या मोर लिख लीजिए, ठीक है, इज वेरी हाई, हैविंग हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कॉफिशेंट। अब बिल्कुल सही सटीक लैंग्वेज है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव करना चाहो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल तो ये है कि जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसी के लिए टेम्परेचर कॉफिशेंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा होगा। जो बेचारा स्लो है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, स्लो स्लो। अब आप चाहो तो ये चीज़ ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद ने पढ़ाया थोड़ी देर पहले, एल एन के टू बाई के वन की वैल्यू क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी ई ए आप लिखोगे आर
वन अपॉन टी टू माइनस वन अपॉन टी वन, लिखोगे या नहीं लिखोगे? तो मेरे लिए तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को समझता हूं, तो के टू बाय के वन कहीं ना कहीं इस फैक्टर के साथ चलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो माइनस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो सीधा ये नेगेटिव दिख रहा है लेकिन है नहीं, पक्का कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डायरेक्ट इस तरह से होगा एक्टिवेशन एनर्जी से, के टू बाई के वन अपने आप में क्या है, टेम्परेचर कॉफिशियंट ही तो है। तो के टू बाई के वन की जगह आप क्या लिखना चाहोगे, के टी प्लस टेन बाई के टी ले लो। तो जैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी समझाने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है? यस और नो? क्योंकि है तो एल एन के फॉर्म में, कोई डाउट? अच्छे समझ में आ गया? तो ये रिजल्ट्स आपके लिए बहुत काम आएगा। पहला कौन से नंबर का हुआ, ये सिक्स नंबर का पॉइंट। सेवन नंबर का एक और पॉइंट है, ध्यान से सुनना। कोई रिएक्शन है जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है, तो जितनी भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है, समझिएगा बात को, ये कितने स्टेप्स में हो रही है इसको देख के बता सकते हो? कर्व क्या बता रहा है? कर्व से हम रिएक्शन सोच रहे हैं तीन स्टेप में, बिल्कुल सही कहा, जिसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट की है, ये सेकंड की है और ये थर्ड है, ये थ्री, ये टू और ये वन, बोलो सही है? तो अगर आप इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहते हो कर्व को देख के, तो पहला पॉइंट क्या है, रिएक्शंस कंप्लीट इन थ्री स्टेप्स, थ्री स्टेप्स, पक्का? दूसरा पॉइंट, सेकंड स्टेप्स की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब सबसे स्लो कौन सी होगी, सेकंड, सेकंड स्टेप इज स्लो स्टेप्स, और फर्स्ट स्टेप को अपन क्या मानते हैं फिर, रिवर्सिबल मानेंगे। अपन ने मैकेनिज्म में भी कहा था जो सबसे स्लो होती है उसके ऊपर वाली सारी हम क्या मानते हैं, रिवर्सिबल, ये हमारा एजम्पशन रहता है। तो सेकंड स्टेप इज स्लोवेस्ट, स्लोवेस्ट स्टेप, और स्लोवेस्ट स्टेप को आप क्या बोलते हो, आर डी एस, आर डी एस का मतलब रैंक डिसाइडिंग स्टेप्स, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके पास, बोलो यस और नो। तीसरा पॉइंट, ये जो पोजीशन है ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट, टीएस, ट्रांजिशन स्टेट, और ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इंटरमीडिएट, और ये रहेगा प्रोडक्ट, और ये रहेगा रिएक्टेंट। तो इसमें दो तो इंटरमीडिएट दिख रहे हैं, दो ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है और बाकी ये प्रोडक्ट। तो समझ में आ रहा है, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट अलग अलग होते हैं ना कि सेम। ये ट्रांजिशन, 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 इंटरमीडिएट, इंटर। तो किसी भी रिएक्शन में सबसे ज्यादा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, ट्रांजिशन स्टेट की या इंटरमीडिएट की? ट्रांजिशन स्टेट की। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट, इन द रिएक्शंस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज फॉर ट्रांजिशन स्टेट, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ा, कोई डाउट नहीं है, श्योर लॉक कर दें? तो हमने कुछ फैक्टर पढ़ लिया अच्छे से, इसके अलावा भी हमारी रेट और भी फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे मीडियम एसिडिक है या बेसिक है, कुछ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होना चाहती है, कुछ बेसिक मीडियम में होना चाहती है, समझ में आ रहा है? बस, तो कई बार इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एक और जो खास पॉइंट बन रहा है वो ये है कि कैटलिस्ट का बहुत कम अमाउंट ही हमारे लिए सफिशियंट होता है, ये नहीं कि ज़्यादा कैटलिस्ट मिला देंगे हमारे को तो ज़्यादा फास्ट होगी, तो कैटलिस्ट का बहुत कम अमाउंट ही रिएक्शन को गवर्न करता है, मूवमेंट लेता है,
ज्यादा अमाउंट पे डिपेंड नहीं चाहिए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं नो नीड ऑफ कैटलिस्ट इन बिग अमाउंट फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ये भी हमारा पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट सेवन नंबर का, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट आर रिक्वायर्ड, ओनली स्मॉल अमाउंट, सेवन तो हो ही चुका है, एट पॉइंट अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, फॉर रिएक्शंस। सही है। और एक और पॉइंट, कैटलिस्ट हमारे लिए ये जो मॉडरेट रिएक्शन है उन्हीं में काम आ रहा है, जो बहुत ज्यादा फास्ट है आयनिक उनमें कैटलिस्ट का कोई रोल होगा ही नहीं, स्लो जो रिएक्शन है उनको फास्ट करने के लिए ही कैटलिस्ट काम आ रहा है। यानी ज्यादातर ये किसके लिए होगा, इस तरह की गैसियस रिएक्शन के लिए, कोवलेंट रिएक्शन के लिए। तो कैटलिस्ट का रोल किसमें होगा, कैटलिस्ट का रोल होगा कोवलेंट रिएक्शन के लिए, आयनिक के लिए तो होगा ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये बात आपके लिए दिमाग में आ गई, कैटलिस्ट का रोल होगा कोवलेंट रिएक्शन के लिए ना कि आयनिक रिएक्शन के। दूसरी चीज, कैटलिस्ट जब भी यूज होगा तब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि कैटलिस्ट ही तो इंटरमीडिएट चेंज करता है, और इंटरमीडिएट चेंज कर रहा है इसका मतलब वो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लेक्स है। भाई मुझे यहां से घर जाना है, किसी ने मुझे कहा यार वो रास्ता शॉर्ट पड़ेगा तो उससे चला जा, कैटलिस्ट है। बाद में पता चला कि वो रास्ता तो बहुत दूर हो गया तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया, समझ में आ गया, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आपने दो पॉइंट और अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कैटलिस्ट जनरली डिफाइन फॉर कोवलेंट रिएक्शन नॉट फॉर आयनिक, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी नॉलेज बहुत है।